मर गए कई सारा कि हमारा मास्टर कैल हो कोनो दौरी में सेव लेले घूमते या सेव लेले यही जितेंद्र ने कोनो लड़का रहल कहता हेलो का बेचतारू कहती बाबू अरे छोटी चुकी चीज के हजार गोहक भैया वीएम एंटरटेनमेंट के ओर से आप सबके बीच में जाता जोन बिरहा जगत के बड़ा चैनल बा हमारे चैनल के मालिक श्री विशाल निषाद जी भैया बैठल बानी ई बिरहा बा कैसन अमेरी गरीबी का चीज होले कैसे मास्टर कैसे पैसे पतोलो गे इंसान को पलड़ा इंसानियत का पड़ जाएगा भारी अमीरी गरीबी तो आती और जाती चले जैसे गाड़ी चले जैसे गाड़ी चले दुनियादारी जिंदगी को बनाना है गर खूब सूरत तो पैसे से पहले मुहब्बत जरूरी न चलना कभी दिल पे नफरत की छूरी भैया हो अमीरी गरीबी यहाँ कर्म के अनुसार मेहनत के अनुसार होती है भगवान के यहाँ से केहू अमीर गरीब बन के ना आवेला बिरहा में एक लाइन बड़ा सुंदर गजल का नमूना लगल जितेंद्र हमर मन करता विशाल भैया से कुछ कह ली कह ला भैया ऐसे की जिंदगी को कोनो भरोसा बाना कि अब मजा अरे नहीं मिलता अरे अब मजा नहीं मिलता
लेकिन बड़ा सुंदर लाइन कवि जी विराम लिखले बड़े। उस फूल की उस फूल की नहीं कीमत जो कुचल जाए पैरों से। आज अपनों को छोड़ आज अपनों को कटने लगे पैरों से। शुरुआत हो गई मास्टर नज़्म खलाई लगल। मेरठ शहर की ये कहानी तो हकीकत है। मेरठ शहर की ये कहानी तो हकीकत है। कभी इंसान को आज दे रही नसीहत है। अशोक कुमार इसी शहर के सरनामी थे। कोई अनजान नहीं क्षेत्र में वो नामी थे। ईंट भट्ठों का चलता जिनका कारोबार रहा। कोई कमी ना धन दौलत पे सुमार रहा। बीटेक करके बेटा हर्ष जाब करता था। बड़े ही शौक से वह बंबई में रहता था। बोले है बाबू शहर छोड़ घर जाओ तुम। घर के कारोबार में ही हाथ को बटाओ तुम। समझ ले भैया कहानी सीसा जैसन झलक जाई। मेरठ शहर का रहे वाला अशोक कुमार जी जो धनाढ़ आदमी कई कई गो भट्टा का मालिक हो। जेकर एक बेटवा जो ने बेटवा का नाम बा हर्ष बा हर्ष बीटेक की पढ़ाई करने के बाद बंबई में नौकरी कर रहा है। लेकिन घरवा अकेले बाबूजी हूँ। हर्ष कमाई बड़ी। अजय भैया एक दिन बाबूजी को मन उदास होता है। कही लड़का हमारे इतना बड़ कारोबार जाके नौकरी करते ऐसे बढ़िया बा घर ही बोला लें। उ तो पैसा बटोरत सिहरा दे जा। ए भैया आखिर बाबूजी बोलौला अपना बेटा हर्ष के घरे। आ जब घरे बोलौला हो ए भैया हर्ष भट्ठा पर रहता हर हिसाब ले देत बापन मुनीम जी से। एक दिन वही भट्ठा पर ईटा पाथे वाली एगो लड़की बड़ी खूबसूरत देखलस हर्ष की ना हो। अरे बाबू देखलस तो हरते रह गए। ए छोटे तरज लगत भैया। कौन तरज मास्टर कैसे
देखे गीत में आध कटल हरकत कवि जी कैले बनी कैसे भट्ठा मलिकार अपना लड़का के बोलौला और हिसाब ले देखती पथेरा का बेटी जवन ईटा पाथतिया देखल सकल दिल दीवाना हो गई कहता हेलो है लड़की थोड़ा मेरे करीब आओ कहता का कहता पूछता कब से हमारे भट्ठे पर रहती हो तुम बहुत खूबसूरत हो अपना बोनस बनवा लो बोनस मजाक करता है बाबू कलश बड़ी खूबसूरत हो कितने तक पढ़ी हो कलश की मलिकार इंटर पास है लेकिन बदनसीबी गरीबी के चलते अपना माई बाबू का हाथ बटावे बदे हमहू आके भट्ठा पर तोरा रोरा भट्ठा पर खटीला आखिर भइल हका बाबू आज देखले सब भट्ठा मलिकार के बेटवा हरस हरत कैसे तरज बदल गिल बाबू
भेजे है लिफाफा में ये वीर हो बोलमुआ फौजी सीमा पर बड़े कासीर पथेरा के बेटी से कह रहा है उम्र 16 साल हो आए गुलाबी गाल हो भवरा तब कली से बचनिया अरे फूल लेखा पाते तोहार गोरी रे बचनिया इतने धूप में तुम ईटा पात रही हो अरे बोलल बभवरा तब कल से बचनिया क्या बात है फूल लेखा बाटे गोरी तोहरी दुनिया भैया आखिरकार का नाम हो बड़ी तुम खूबसूरत हो झूठे ना धूप में मर रही हो कलश के हे मलिकार बदनसीबी गरीबी बा सबकर मन करेला छाया में रह के सबकर मन करला ऐसो आराम के जिंदगी जिए के आज वो लड़की हाथ जोड़ के कलश के हे मलिकार हम जो उन करत है हम के करे दा रहुआ जाई नहीं तर आपका बाबूजी देखी है ना तो गुसिया जी हम रहुआ जाई गरीब का बेटी है शर्मात है लजात है लेकिन मार्केट का नई धुन लगत है मास्टर वाह
अनुनासिक रहल। फोन में बतियावता लड़किया कहते हेलो अबे बात ना होई कैसे बेटी ईटा पाथे वाली कहते के हेम लिखार रुआ जाई ना का हमारा पढ़ाई के बारे में जानल चाहते नहीं रोती आया आंख से आंसू गिरे तो कहते के हेम लिखार दुश्मनी करीबी हो पढ़ाई छूटल बा गरीबी में आज अपनो आदमी अपनो धर देहात मलिकार हमने के बारे में कुछ उड़े के सोचत हम पढ़े में फर्स्ट क्लास इंटर से पास आई लेकिन अपना बूढ़ माई बाबू के काम के देख के मजबूरी के हम ए लोग के संग आकर उरा भट्टा पैटा पाथी लग कहतिया माई बाबू काम देखली मजबूर भाठा वापस करत बानी आज मजबूर काम कर दे नहीं बताओ तब रोवतिया कहतिया का दुखावाया अपन गाई हो का तुहरा से सुनाई हो बतियावत ओकर माई बाबू देखल हो दौड़ के लगे जब लगे आवे तो भाठा मलिकार के बेटा भाग गए का रे बेटी ओ छोटका मलिकार का बतियावत रह आ कुछ न रे मम्मी अब का तो से कही हम बड़ा हमार बड़ाई करत रह बड़ा हमार प्रशंसा करत रह माई रो तड़ी बेटी रे अमीर के आबरू होले गरीब के आबरू ना होले गरीब की आबरू के केहू रौंद देला ना लगल जल रे बेटी बड़ आदमी के मुँह
मजबूरी में हम तो के लिया के तोरा से ईटा पथवावती नहीं तो केहू का गरीब का बेटी और सुघर सागर बेटी सुंदर बेटी भाटा पर ईटा पाथे ना जाली। बेटी बड़ बड़ुआ लोगन से बोलल ना जाला रे। आज के बाद निवेदन हमार बात तोरा से कि मत बतियाई है। आखिर भई लका बाबू कलम दर्ज बा। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। गाने वाली गजब की गाई है। जब मुजरा उजरा ओखे लगला तब मनुष्य बोले वाह। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। बैठ के अपना ऑफिस में मने मने सोचा था कि हाँ तो हाँ बखान करता वो लड़की का भैले बेचैनी बारे आतुर मृग नैनी बारे। सोचा था काश पढ़ा लिखल बटले बिया प्यार अमर होइए गइल या तो मिलने हो जाए तो नहीं तो एकरा से हमर बिया हवे हो जाए। सपना देखे लगल भाटा मलिकार का बेटा एगो पथेरा के लड़की से बिया करके कलिया भी भावरा पो गइल लुभारी। विराह सुनने वाला भैया लोग आखिर
माई बाबू का डांट सुन गई बे लड़की। अब देखे कि मलिकार भट्टा मलिकार का लड़का जही ओकरी लगे आवत रह, तुरंत अपने माई बाबू के बीच में होके पाथे लागे, ओढ़नी से मुँह हवा ढाके लागे, अपन शरीर के तोपाई लगे। आज ए बाबू धीरे 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 यह कारनामा चलता, आई अब एक मन दूसरा काम पर नहीं खेल लागत, अभी खाली कौड़ी बांटे की चक्कर में बा। कौड़ी ना ही बांटा था ना ही पैसा बटो रहता, खाली वही लड़की की चक्कर में बार बार चारों ओर से घोरिया हुआ झूठाऊ से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग। हाँ ठीक है, सब देखिए पथेरा हमारे पास रहे हैं, और अभी यहाँ 1 लाख का ईंटा भेजा हूँ, मैंने भावकाल बांधता सोचे कि हो सके हमसे पटी जाओ। आखिर बाबू बर्दाश्त नेखे ओतो से आगे खोर एक जगह रख दे बहु भैया, तो आग लागी न जाई तो बरी न जाई। आखिर दोनों चोरी छुपे बतियावे लगलन, शादी करने की बात भी करने लगा उस गरीब की बेटी से, संगे संगे मिले जुले लगलन। आज रोज पर रोज महतरिया समझाते बेटी देख, तू गरीबन खाती काले बेसह तड़ी, कहिए तू हमनी का गर्दन कटवाई भी, जोन तू काम कर तड़िया रे बड़ बढ़ुआ हूँ सरे, मार के बिग दिया से वो ओकर बाप बहुत बदमाश हो, काहे के ओकर ही चक्कर में पड़ल बाड़ी। ए भैया आखिर भइल का हो, बिरह में पहपट का भाव लगता है। लड़का अपने बाबूजी के लगे बैठल बा, भट्टा मलिकार के लगे, कहलो बेटा रे आप कुल तिल कोहरू आवाज जतान सो, कब तक कह दई, हमारा मन करता कि बड़ा बढ़िया बढ़िया लड़की कुल मिले तड़ी सब, बड़ा बढ़िया दहेज भी मिले तो बियाह तोरा कह दई। कलस की पापा बाप हो, पापा जी बुरा न मानिए, अब दूसरे जगह हमारी शादी क्या करेंगे, मैं एक लड़की देख लिया हूँ, देख लिए हो, अति सुंदर, अति सुंदर, जब तुम देख लियो तो जमाना कह रहा है, लेकिन कौन सा विधायक की बेटी है, किस सांसद की लड़की है, उसके बाप के कितने भट्टे हैं। कहना कि पापा बतिया सुनो हम बताओ थे, नाराज मत हुई हो, पापड़ के भाव में कहल गई बा, कहत बानी बात साफा साफा सुना पापा जे, अरे सुंदर सुशील लड़की ना मुझे कर रेखा हो, अब भट्टा भट्ठावा पे इटाऊ हो हमारे पाठा सुना पापा जी, पापा
लड़की कहीं दूर का नहीं खे दूर का रहे वाली है, लेकिन पापा वो हमने की भाठा पर वो लड़कियां ईटा पाथे ले उकर नाम रेखा हो उकर माई बाबू भी बड़ी दिन से हमने की भाठा पर 15 साल से रहे लो उन्हीं का वो बेटी हो। बाबूजी सुन लो खून में गरम हो गए साला एकर मजाल हमारे भाठा पईटा पाथे वाली लड़की से तू ब्याह कर बे रे पढ़ल लिखल होइबे ना करी कह त पापा सुन इंटर पास पढ़े में बाड़ी एक सिलेक्ट शादी का हमर उनसे ये पापा कह दे गरीमेंट शादी करब कैले बनवादा हमारे पापा जी आगे का कि पापा गरीबी के चलते ओकर माई बाबू के पढ़ा ना पौल इंटर ले पढ़ले बिया आ ओकर हम पूरा सब्जेक्ट चेक कर बन के ओके कौना विषय में कितना जानकारी बा पापा अमेरी गरीबी लगल रहे ले हमर मन करता कि हम उसे शादी कर लेती तू करा देता हमर शादी आ ओके हम पढ़ाई थी पढ़ा लेल जे हमनी के का तोहर विचार हो। अब पापा सुन लो कहलो कि लड़का के बात करी का पहले बोलवला हम उनसे के चला हम उनसे सुनो तने ओरे खवा के बाप माई के बुला लीबे मुंशी चललो हो तब तब मुंशियों का हवा ना खराब बा इसलिए कि भाठा मलिकार दबंग आदमी है आज भई लका बिरहा में अल्लाह का भाव लगत बाबू मुंशी से बोले मालिक डाटी के बचन बाबू एक काम करो बेटी साथ हमारी साहेब गईला हो कलाए पथेरा तोनी का दोनों गड़ा मरद मेहरारू आई तोर जोन जवान लेकी हो लेके चल मलिकार बोलो लो है आपीस में धाक दे कर जवा कैलस गरीब माई बाबू के बेटी तो कि बार बार समझाओ तरारी
आखिर तू आज मार खिवाई भी ना, हमार दिल गवाही देता। मलिकार हमने के मारे खाती बोलोले बड़न काट के भीग दिया, पता भी न लगी। आज हे बाबू, बाप बेटी मतारी तीनों लोग जब गईला है आपिस में, हर्ष बैठल हो, मुंशी बैठा है, बाबूजी बैठल हो, भट्ठा मलिकार कलक क्या बे, ये तुम्हारी लड़की है, पागल हो गई है, भट्ठा मलिकार के लड़के से शादी करेगी, औकात है? हाथ जोड़ के झरझर झरझर रोवे लगल। हर्ष बेटा कलश की पापा, हम निवेदन आपसे करता नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी खून की है, गलती मैं किया हूं, मैं इसकी झोपड़ी पर बार बार जाता था, इसके पापा मम्मी जबकि नाराज भी होते थे, लेकिन गरीब एक अमीर आदमी को बोल नहीं सकता, गलती इन लोगों की नहीं है, गलती मेरी है, जो सजा देनी है वो सजा हमको दे दीजिए बाबूजी, लेकिन ये गुनाहगार लोग नहीं है। आखिर ये बाबू, जब अपने आप को कबूल करता है कि मेरी गलती है, हाथ जोड़ के रेखा बिटिया कलश की बाबूजी, उनकर भी गलती ना हो, गलती हमार हो कि भगवान हमार जन्म को गरीब घर देलन, हमार माई बाबू इंटर तक पढ़ा पौलन, ओ में भगवान हमके को खूबसूरत लड़की बना देलन, ये कुल हमारा खूबसूरती का दिन भाई मलिकार, आपके बेटा का दोस्त ने खे दो सारा हमार बाप के ऊ के मत मारी, अगर गर्दन काटे के हो के है मलिकार, ते है गरीब की बिटिया का गर्दन काट दे। पिरा सुने वाला भैया लोग, आज भट्ठा मलिकार के आग से भी आंसू बहे लगल, जब गरीब के बिटिया रोवे लगल। आज बाबूजी कहिलो का खड़ी के भाव लगत बा, नौकर के समधि बनाई हो, लिहल मालिक नौकर के समधि बनाई हो, लिहल मालिक नौकर के समधि बनाई हो, समधि बनाई हो, समधि बनाई हो, समधि बनाई हो, लिहल मालिक नौकर के समधि बनाई हो, लिहल मालिक नौकर के समधि बनाई हो, लिहल मालिक नौकर के। भट्ठा मलिकार महोदय सोच ले हलन कि बिरादर तो ये मेरी ही है, हाँ अंतर यही है कि गरीब है, ये गरीब है, हम अमीर हैं, बसरते यह लड़की बहुत संस्कारी है, मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटाना चाह रही है, संस्कारी बेटी है, बना लू समझे। आज भट्ठा मलिकार देखो तो कि दुनिया में यह कुल होता कि लड़का लेकिन के बात नहीं मनला पे गलत काम भी करतन सो, कितने तो जहर खा गलतन सो, जब हमार बेटा तैयार हो तो ये कही लड़का भी हो, ना एकर बात मनब ते कर से हाथ धोई, एक जब नीक है तो हमरो के अच्छी हो। आखिर भइल का तो हर्ष साथे रेखा का घूमल भवरिया, पाके सुंदर कनिया भइल घर में अजोरिया, पाके सुंदर कनिया भइल घर, पाके सुंदर कनिया भइल घर में अजोरिया, अरे लिहल सासु जी बहुअर के गरबा लगा, नौकर के
बेटवा का शादी कैल हा ओकरी बाद दुआर पर बहु भोज। बहु भोज में का भइल कि गौआ का लोग जुटी आ देखेला तमाशा आ दुआरा पर बाजत बाटे डीजे और ताशा। भैया आज भट्टा मलिकार आ भट्टा पक पथेरा समधी हो गई लन दोनों जना के मेहरारू समधीन हो गई ली और हर्ष की और रेखा की शादी हुई। हमार बिरहा यही समाप्त भइल तब बिरहा सुनने वाला पंच लोगन से यह निवेदन बा कि जमाना आई घरे टीवी लागल बा लड़का मोबाइल देखतन सही देख के बिगड़ गइल बाड़न सब। तो अब हमारा तो ये लगता कि दिल्ली बम्बई बाहरा में जाति पाति नहीं खे अब वह भावना हमनों के देहात में लिए के पड़ी। बिरहा हमर समाप्त भइल आज वो गरीब के बेटी राजा के घर में रानी बन के रहे लगल। भाव आखिरी भाव जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी गंगा सागर सुभाष रामनाथ की तैयारी सागर के दिल समाई सरिता।